नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। एक ऐसे डेयरी फार्मर हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, काफी शुरुआत से उन्होंने डेयरी फार्मिंग में लगभग 40 साल हो चुके हैं। 40 साल का क्या अनुभव रहा है, किस प्रकार से क्या चुनौतियां आई हैं, क्योंकि डेयरी फार्म में काफी लॉस का सामना भी करना पड़ता है, प्रॉफिट भी होता है। समय के अनुसार क्या क्या रेट रहते हैं, किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जानी चाहिए, आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी और सफल डेयरी फार्मर हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है अपना? नरसिंह गोयल। अपना पता क्या है सर? गोखनिया का रहने वाले। अच्छा, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, गोखनिया दत्तोदा, जैसे दत्तोदा का है, पर गोखनिया हमारी जमीन पे खेत डेयरी। अच्छा, कितना समय हो गया आपको? 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। अच्छा, और डेयरी फार्म करते हुए कितने साल हो गए? इसको हो गया 40-45 साल। 40-45 साल हो गए। तो इन 40-45 सालों में शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और आज कितने पशु हैं टोटल? अपने पास तो 2 भैंस थी, पहले 2-3 भैंस की जगह थी इतनी गांव में, फिर वहां से धीरे 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 खेत पे आए, खेत पे से फिर बढ़ाया, धंधा लपक के करा फिर। अच्छा, वहाँ पर कितनी थी शुरुआत में? 3-4 भैंस, इतनी जगह ही नहीं है ना वहाँ पे। 4 भैंसों से 50 भैंसों का आपने फार्म तैयार किया है? हाँ, 50-70-80 जानवर है ना अपने पास, छोटा बड़ा भी, बड़ा बड़ा सब। बिल्कुल, जैसे इसमें आपने इतने सालों से काम किया है तो क्या क्या उतार चढ़ाव और किस प्रकार से इसमें बदलाव हुए भैंसों के रेट में और खाना दलियों के, भैंस के रेट? अब शुरुआत से तो 1500 से वो शुरुआत हुई थी भैंस। हाँ, 800 रूपए 1500 रूपए आखिरी था। अच्छा, उसके बाद में फिर 3000, 4000, 5000, 10000, 50000, 1 लाख तक आ गया, 1.5 लाख रुपया की भैंस मिलने मंडी। 1.5 लाख, 2 लाख तक की भैंस? हाँ, 2 लाख रुपए तक की हो गई। अच्छा, तो अभी टोटल कितनी भैंसे हैं पशु? अभी अपने पास कम से कम 70 जानवर है। 70 जानवर है, इसमें से दूध में कितने हैं अभी? दूध में है 40 जानवर। 40 जानवर। कितना हो रहा है रोज का अभी? अभी अपना है 450 लीटर। 450 लीटर। हाँ, मैंने देखा है कि अक्सर पहले भी 2-3 वीडियो कवर किए थे, मैं काफी डेयरियों पर मध्य प्रदेश की घुमाऊँ, लेकिन आपका जितना जो उत्पादन है दूध का, भैंसों का, इतना मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं तो यहाँ पर जो पशु जो जब डिलीवरी होती है, जो ताजा ब्याह हुआ होता है, उसी प्रकार से लगभग साल साल भर पुरानी भैंस जिसको बाकड़ी बोली जाती है, वो लगभग 6 लीटर, 7 लीटर और 8 लीटर, और यहाँ तक कि ऐसी भी है जो ताजी ब्याही जो 10 लीटर का भी प्रोडक्शन एक टाइम का करती है। और आप लाइव मिल्किंग आपके सामने वीडियो में देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है, इतना दूध कैसे ये निकालते हैं। इसका राज ये है कि जैसे हम खिलाते हैं वो, जैसे तानी भैंस है, तानी भैंस का क्या दूध देगी वो? अब खिलाएगा तो दूध ही नहीं देगा, कहाँ से देगी? अब तुम्हारे सामने 5 तरह का बांटा खा रहे हैं, धाप के देखो सबके सामने पड़ी खली। 5 तरह का बांटा खिलाते हैं, उसके बाद में उसमें चूरियां मिलाते हैं, उसके बाद में आपने उसमें जैसे गुड़ है, तेल है, गुड़ है, तेल है, साथ में सब सामने ये, पर। ये जो इस प्रकार की डाइट आप देते हैं तो ये कहीं से आपने फार्मूला लिया है कि आपकी खुद? नहीं, हम किसी से फार्मूला, हमारे पास आते लोग तो फार्मूले के लिए खुद का क्या? अरे 500-500, 1000-1000, 2000 किलोमीटर दूर तक के लोग आते हैं, हमारे तो रोज आता है 1-2 आदमी, और देख के 2 घंटा तो बैठेगा ही बैठेगा ढोर। बिल्कुल, ढोर देखने के। अब ये मांस आए थे अपने अमरनाथ से, 4 जन से आए थे। हाँ, वाकई में दोस्तों, अगर अच्छा काम किया जाए डेयरी फार्म में, अगर सही डेयरी फार्म का जैसे अच्छा करोगा तो ही फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, जैसे अभी कितने तरह के दाने हैं इसमें? 4 तरह के। क्या क्या है इसमें? देखो, बाजरा भी है, ज्वार भी है जी, गेहूं भी है, और उसमें गुड़ का पानी भी है, सरसों का, सरसों की भी खली है, सरसों की भी है, सरसों की भी है। हाँ, उसमें तेल अलग डालते हैं ना, गुड़ तेल। तेल कितने टाइम पहले भिगो देते हैं इसको? हम इसको 2 बजे भिजा देते, 2 बजे भिजा देते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपके पास इतने पशु हैं और 450 लीटर रोज हो रहा है, तो बात की जाए महीने का बिल कितने का हो जाता है? महीने का बिल होता है अपना 6-6.5 लाख। 6-6.5 लाख का हो जाता है। इसमें से खर्चा कितना कट जाता है, अगर सारे खर्चे देखें, डॉक्टर का, खलियों का, दानों सब का खर्चा कटता है इसमें 4.5 लाख? 4.5 लाख रुपए मान के चले, 1-1.5 लाख का प्रॉफिट? 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 तो कहीं भी नहीं गए। कितने लोग, कितने मेंबर काम करते हैं इसमें? हमने देखा आपके सभी फैमिली मेंबर भी काम कर रहे हैं इसमें। 3 जने करते हैं हम तो भी। अच्छा, सुबह क्या टाइमिंग रहता है दूध निकालने का? 3 बजे का। 3 बजे का, और शाम का? शाम का 3 बजे। सब हाथों से ही दूध निकालते हैं आप लोग? जैसे मैंने देखा है कि आजकल मशीनों से का भी इस्तेमाल, लेकिन आपके यहाँ पूरा देसी तरीके से ही फार्मिंग की जा रही है? वही फार्मूला अच्छा है, और जिसके बाद में क्या है कि ढोर भी खराब नहीं हो, तुम्हारे सामने भी, तुम भी 3 बजे से देख रहे हो, देख रहा हूं, 2 घंटे और 2 घंटा हो गए बैठते बैठते, हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमारे ढोर में बिल्कुल शांति से पूरा फार्म का काम, पूरा फार्म का काम शांति से करते हैं। और कोई हमारे दूसरे डेयरी फार्म नए जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि भाई इतना दूध किस प्रकार से देती है भैंसे, आप क्या ऐसा भाई उनको जानकारी अपन देंगे तो काम होएगा, खिलाएंगे, नहीं तो
कबाड़ा वोट हो जाएगा क्या मतलब? अच्छा, इसमें कौन कौन सी नस्ल है भैंसों में आप? सब मुर्रा भैंसे भी है, जाफरी है भी हमारे पास, मुर्रा भी है जाफरी भी है। तो अच्छा रिजल्ट किसका रहा? हमारे तो दो ही खराब है, मतलब अच्छी है तो रिजल्ट सब अच्छा, सब अच्छा है, नहीं तो कोई रिजल्ट काम नहीं करेगा। अच्छा अभी जैसे अच्छा मास्टर अच्छा है तो छोछोरी अच्छा पड़ेगा, नहीं तो कहीं क्या बात है, सही बात है। अच्छा जैसे लोग आजकल वीडियो देख के डेयरी में आ जाते हैं, पेपर पे लिखते हैं कि इतनी भैंस से इतना बचेगा, इतना मिलेगा, इतना वर्क पूरा लिखा ही पढ़ी के साथ आते हैं कि भाई इतना इतना। देखो इसमें पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं करेगी, ये तो अपने दिमाग काम करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें जरूरी है, अपना दिमाग काम करेगा, जितना खिलाओगे उतना नितोगे, नहीं तो कोई मतलब धंधा करने से कोई मतलब। अच्छा जैसे मैंने देखा है कि आपके पास पूरे 12 महीना एक जैसा दूध रहता है अपने पास, तो साल भर मैंने देखा है कि 500 लीटर 400 लीटर 500 लीटर के बीच में। तुमको 3 साल हो गया आता है, 3-4 साल आपके पास बिल्कुल रेगुलर बना हुआ है, इससे कम हो भी नहीं, इससे कम हम। इसका क्या कारण है कि आप जैसे भैंसे भी नहीं लाते? मैंने देखा है कि नई भैंसे आप बहुत कम लाते हैं, दो साल में 4 भैंस लेकर आए हैं। हाँ, तो बराबर बैलेंस चलाने का क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि अब जैसे हीट पे आती है भैंस, हाँ, अब उसको अपन करवा हो जाती है, हाँ, अब उसके बाद में क्या खिले पिले उसकी रहती है, एक आध महीना दूध छोड़ना पड़ता है, एक दो महीने के लिए आप दूध छोड़ते हैं, उसके बाद रेगुलर हो जाते हैं, नहीं तो जनीले रात में हम तो देखाएंगे लगा रहा फिर ये कर लो बोलो। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट का कारण है कि सबसे पहला खिलाई अच्छी है, उसके बाद में यहाँ पर पशु प्रेग्नेंट हो जाता है टाइम पर, क्योंकि खिलाई अच्छी है तो टाइम से प्रेग्नेंट हो जाएगा। अच्छा काम है यहाँ का बढ़िया, क्योंकि अगर खिलाई नहीं होगी तो प्रेग्नेंट भी टाइम से ही। अपना इस क्षेत्र में अपनी अपनी बराबरी कोई डेयरी नहीं, मैंने देखा है कि अक्सर मैंने डेयरी विजिट की है लेकिन यहाँ पर नए पशु भी नहीं लाए जाते हैं, पुराने जो चल रहे हैं उन्हीं को टाइम पे प्रेग्नेंट कराना, उनका दूध लेना, उनकी उन्हीं की खिलाई और उनका रखरखाव अच्छा रखो तो नए पशु से ज्यादा दूध देता है। दिया नहीं बहुत दूध दे, अपन तो बेचारा बिगड़ बचा धन की क्यों बुराई करा, खूब दूध दे जितना अपने आत्मा गवा देगी कि अपना दूध देती है, 7 लीटर देगी तो 7 देगी अपना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आप जो सूखे में क्या खिला रहे हैं? सूखे में मसूर और चना का भूसा स्टॉक कर लेते हैं एक साल ताकि वो चलता रहे, बस चलता रहे। अच्छा आगे और कितना बढ़ाना चाहेंगे इसको? अभी तो बढ़ता जा रही है, हमारे साथ भी आपके साल में डेयरी बन रही है, हर साल आप डेयरी का पार्टीशन बढ़ाते जा रहे हैं, 8-10 लाख रुपए में ही खर्चा कर देते हैं। पोर का क्या था, इतना बड़ा गोदाम बना लिया, ये अपन ये बना लिया। अच्छा आजकल जैसे आजकल के जमाने में ये ट्रेंड चल रहा है कि डेयरी फार्मिंग करनी है तो पहले ट्रेनिंग लोन, ट्रेनिंग करने के बाद कहीं भी नहीं, कोई गारंटी है कि ट्रेनिंग के बाद कहीं नहीं हुआ, मतलब करना आपको सजग रह के मान के। देखो मेरी बात सुनो, ट्रेनिंग देने से कोई अपन कोई प्रधानमंत्री की जगह पे बैठना नहीं, जो ट्रेनिंग देना अपन, बात तो सही है। अब अपन को ट्रेनिंग क्या, अपन को अपना ढोर को देखेंगे 4 दिन में, वो देखो अभी नई डेयरी खोली है, 3 दिन अभी 3 ढोर लाए वो अपने वीडियो पे जिनने ढोर पाले। अच्छा हाँ, तो उसके बाद में क्या होता है कि बेचारे 2-3 दिन 8 दिन महीना भर रोज आया वो देखने, कभी अपने खड़े हेड दे कभी वहाँ जानकारी ली, पहले जानकारी ली, फिर गाय उसको हमने दिले, दो भेज दिले उसको। अच्छा धीरे धीरे स्टार्ट किया, 13-14 लीटर कम से क्यों स्टार्ट किया आपने? नहीं वो कम से ही करेगा, अभी उनके थोड़ा नॉलेज भी होता है, नॉलेज हो गया उनको, महीना भर में सब नाले अभी दूध नपा गया, ताकि इतनी पूंजी एक साथ नहीं लगाना भी पड़े और अपना काम हो जाए, उनका भी हो जाए बेचारे, उनके गरीब आदमी धीरे धीरे सक्सेस हो जाए। हाँ धीरे। जैसे इसमें अभी आप जैसे डॉक्टरों से किस प्रकार से आपको हेल्प लगती है कि बीमार हो जाए? हमारा तो देखो साल भर में 5-6 बार आता है डॉक्टर, कोई खास हो या नहीं तो हम तो खुद ही लगा। अच्छा, खुद ही लगा लेते, क्योंकि अब 40 साल का अनुभव है तो आराम से तो काम तो बोल देता नहीं डॉक्टर, अपन को बोल देता ये इंजेक्शन लगा दो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो अपन लगा देते। जैसे अभी खुर पका मुंह पका हर साल लोगों में आता है? अरे कोई भी नहीं, अपना कहीं भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आता है, क्योंकि साफ सफाई बहुत है दोस्तों यहाँ, साफ सफाई भी बहुत है, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, टाइमिंग का ध्यान दिया जाता है, खिलाई का ध्यान दिया जाता है, उसके बाद में हर पशु को हर समय, क्योंकि यहीं पर इनका निवास है तो किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो ये देख लेते हैं। नहीं एक सेकंड में जांच भेज में दूध कम क्यों होती? क्योंकि डेयरी फार्म में हमने देखा है कि काफी लोगों की जमीनें बिक गई, हमने देखा है नारा की बिक्री नहीं, बहुत सारा देख कर लेते हैं कि भाई देखा तो काम खुद कभी और आखिरी में जाके पूरा घाटा हो जाता है। अब यहाँ लोग कह देगा हमको स्कॉर्पियो लाओ, अपना घर पैसा निकल ले, ये बात ही है भाई, अपनी सोई उतना काम करो, नहीं काम करो। तो दोस्तों देखा आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डेयरी फार्म चला रहे हैं सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।